हेलो बच्चों, जय हिंद। ये आपका क्या है, डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग से। जैसा मैंने कहा था कि अब आपको मॉर्निंग में कितने बजे ये क्लास चलेगी, 6 बजे मॉर्निंग में, 6 AM पे क्या है, डेली ये क्लास चलेगी। आज आपका डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग से आ गया है। इसमें आपको करना क्या है, डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी क्या होता है पहले तो ये जान ले, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। आप कंप्यूटर में कोई डाटा फिट करते हैं, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़, सॉन्ग, म्यूजिक कुछ भी सेट करते हैं, वो एक प्रकार का डाटा ही है। उसे क्रम में करना यानी एक व्यवस्थित रूप से रखना क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी होता है। इसे हमें पढ़ना है और इसमें भी काफ़ी ढेर सारे प्रोग्राम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही विधिवत तरीके से पढ़ना है। इसमें ज़्यादातर भी इसमें भी बैक लगता है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप अपने क्या सीनियर्स को अगर जानते हैं तो जा करके उनको कॉल करके, फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि उनके बैच में लगा था कि नहीं लगा था, ठीक है। तो डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी बच्चे इसे देख रहे हैं अपने दोस्तों तक शेयर कर लें, और शेयर करने के बाद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि उनको क्या है कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो, जब भी कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए उन तक आराम से पहुंच जाए। पहला आपका चैप्टर है, कह रहा है डिटेल्स कंटेंट क्या क्या पढ़ना। देखो फंडामेंटल, कह रहे फंडामेंटल नोटेशन है, इसमें आपको क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, इसमें से 4 टॉपिक पढ़ना है। किताब में तो बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ, एक्स्ट्रा दिया हुआ जो मैंने अपलोड कर दिया है, लेकिन क्या कह रहा है कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है जो यहाँ लिखा है। पहला कह रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट, टॉप डाउन एंड बॉटम अप डिज़ाइन पढ़ना है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा टाइप वेरिएबल एंड करें कॉन्स्टेंट पढ़ना है, करें कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर वेरिएबल एंड करें कॉन्स्टेंट पढ़ना है, करें कैटेगराइज ऑफ डाटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सेकेंड यूनिट है एरे, एरे में 3 टॉपिक पढ़ना है, फिर लिंक लिस्ट है, फिर आपका स्टैक है, क्यू है, रिकर्सन है, फिर ट्री है, और फिर क्या है सॉर्टिंग एंड सर्चिंग है, और लास्ट में ग्राफ है। ये 7 यूनिट आपको पढ़ना है। 7 में जो भी पढ़ना है आपका नीचे, ये आपका सिलेबस होता है ना, आपका ये क्या होता है भाई, सिलेबस होता है। ये जो नीचे आपका दिया हुआ है ये आपका क्या है, सिलेबस है। कह रहा है कि ये आपका क्या है, सिलेबस है, यही आपको पढ़ना है हर एक यूनिट में, चाहे देख लो इसमें भी देख लो, ट्री में देख लो, ट्री में भी एक छोटा सा यूनिट दिया हुआ है, ये पूरा आपको क्या है, ये आपका सिलेबस है, इसे ही आपको क्या करना है, पढ़ना है ना। तो ठीक है, तो ये आपकी सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद देख लेते हैं हम विषय सूची में, कह रहा है पहला फंडामेंटल नोटेशन है, एरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक क्यू, रिकर्सन है, ट्री है, सर्चिंग ट्री है, ग्राफ है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। तो जितने भी बच्चे इसे देख रहे हैं अपने दोस्तों तक शेयर कर लें। आज हम सिर्फ कंटेंट के बारे में बात करेंगे, और हाँ दूसरी चीज़ आप लोग नोट्स बना लीजिए, कैसी कॉपी बनाएंगे, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ी चुके हैं विदाउट लाइनिंग वाली, सारी चीज़ लिखते रहे। मैं नोट्स को क्या करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे ही यूनिट खत्म होगा उस पूरे नोट्स को क्या करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हर वीडियो पार्ट बाई पार्ट करके रहेगा, ये 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। और जिनके घर में कक्षा 10 या फिर 12 में बच्चे होंगे, पढ़ रहे होंगे, उनके लिए भी इंग्लिश की क्लासेस हम ही चलाते हैं, और जिनके दोस्त अभी पॉलिटेक्निक में फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराएंगे उनका कम्युनिकेशन स्किल का क्लास भी हम ही चलाएंगे। तो आप लोग सारे बच्चे क्या करें, चैनल को ज्वाइन कर लें, लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि सभी लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ सकें और सभी लोग क्या कर सकें, पढ़ सकें। मैं आपको इसलिए अभी से स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये जो सी है ये बहुत ही ख़तरनाक लैंग्वेज है, ये कुछ लोगों को कम समझ में आया क्योंकि इसमें एल्गोरिथम इतना ज़्यादा है, कुल 40 एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम आता है, कम से कम 5-6 एल्गोरिथम आएगा, 1-2 प्रोग्राम आता है लिखने के लिए। अगर आप लोग नहीं लिखते हो 4-5 तो आपका एल्गोरिथम आएगा, 25 नंबर का ऐसे ही हो जाएगा। अब आप नहीं लिखोगे, मान लो कुछ भी लिखोगे तो कुछ नंबर कटेगा, तो इसलिए क्या करते हैं पूरा ना पूरा क्या है लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, कोशिश करिएगा पूरा पूरा लिखने का। तो ये आपका क्या था, डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, और यूजिंग सी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजिंग सी कह रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे। अब देख देखो लिखा है टोटल मार्क क्या है कि फंडामेंटल नोटेशन से आपको क्या है टोटल 10 नंबर मिलेगा, आपके 8 पीरियड इसमें चलाए जाएंगे। एरे है, एरे में आपको 15 नंबर मिलेगा, लिंक लिस्ट में आपको कह रहा है कि 15 नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद कह रहा है स्टैक क्यू और रिकर्सन है, रिकर्सन में भी आपको 15 नंबर मिलेगा। टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें 50 नंबर आपके क्या होते हैं कि वो एग्जामिनर क्या करेगा, प्रैक्टिकल होगा। जैसे कि फंडामेंटल नोटेशन में 5 नंबर आपको लिखित पेपर में रहेगा, 5 नंबर आपका वाइवा में रहेगा। एरे है, एरे से 15 नंबर है, तो इसका मतलब 7 नंबर या 8 नंबर आपको पेपर में आएगा, वही 7-8 नंबर किस में आएगा आपका, प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल लिखना पड़ेगा। लिंक लिस्ट में 15 नंबर दिया, ऐसे आधा क्वेश्चन आपको क्या है प्रैक्टिकल में मिलेंगे, आधा क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे उसमें
लिखित पेपर में, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए आपका क्या है कि मैंने बता दिया, तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसमें पूरे किताब को देख रहे हो, 326 पेज का है, इस पूरे किताब को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करूँगा डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ पेजेज ऐसे हैं जो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो और आप बाद में किताब तो खरीद ही लेंगे, नहीं खरीदेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा चीज़ हर एक चीज़ पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।